चाचौड़ा के चक बड़ौदा से ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में। इन ग्रामीणों की मांग है कि इनके क्षेत्र में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं एक गंदा नाला इनके क्षेत्रों में से होकर गुजरता है, जिसके चलते मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। वहीं ग्रामीणों में बीमारियों का भी खौफ बढ़ रहा है। पहले भी कई बार शिकायत करने के बाद भी इन लोगों की कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई है। इस उम्मीद से ये ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे कि इस बार इनकी सुनवाई जरूर की जाएगी। बस स्टैंड से लेकर और बालाजी रास्ता पे भील मोहल्ला में इतनी जोर से गंदगी है, पानी भर रहा है, कूटा कचरा इतना जोर से पड़ा है और मच्छर इतना है जो मतलब हम बीमार हो रहे हैं। और आपने पहले कभी शिकायत की? पहले शिकायत हमने चाचौड़ा में की और हमारे गांव में डिप्टी कलेक्टर साहब मैडम गई, सीओ मैडम या पता नहीं कौन थी, उनको बताया, लेकिन उन्हें अब ममता दीदी विधायक को उनको बताया, लेकिन हमारे उनकी तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी गंदगी मिट जाएगी, लेकिन अभी तक नाला है, नाला इतना बह रहा है, इतना आदमी डूब जा रहा था और पानी भर रहा है, इतना गंदा पानी भर रहा है, उस गंदा पानी में मच्छर पैदा होकर मतलब हम बीमार हो रहे हैं। और मेरा नाम मांगीलाल भील है और इतनी ये पूरी एक समस्या लेके आए हम और हमारी कोई नहीं सुन रहा है। एक तो नाला है, जो नाला ये चौड़ा नाला बन के तैयार हो जा रहा है, ये गंदगी पानी पूरा गांव फैल रहा है और जिसके अलावा पूरे गांव में गंदगी है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गंदगी है, इतना गड्ढे पड़ रहा है, कचरा पड़ा है, पूरा गाँव का कचरा वहीं पड़ा, मतलब कि भूरा पड़ा है, मतलब गोबर का ये पड़ा।